बजट कैमरा एसेसरीज के वीडियो सीरीज के अंदर आज एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेटल अम्ब्रेला क्लैंप के बारे में, या फिर कह सकते हैं फ्लैशलाइट क्लैंप के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम अम्ब्रेला क्लैंप को अनबॉक्सिंग करेंगे, बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में एंड कहाँ से मैंने इसको परचेस किया था एंड कैसे हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। सो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सो है एवरीवन, दर्शन इज हियर विथ अनदर टेक वीडियो। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के ऊपर लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिजिटेक का प्रोडक्ट है एंड इसका मॉडल नंबर यहाँ पे दिया है DMUC001। एंड इस प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पे मेटल अम्ब्रेला क्लैंप, जिसका आप यूज़ जो है अम्ब्रेला को माउंट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर जो है फ्लैश को यहाँ पर माउंट कर सकते हैं, या फिर रिसीवर को भी इसके ऊपर हम माउंट कर सकते हैं। बॉक्स के पीछे के हिस्से में हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ जो है फीचर दिया है, जिसके अंदर लिखा है कि ये टफ, ड्यूरेबल एंड कॉम्पैक्ट है एंड ये बना हुआ है एल्यूमिनियम मेटल क्लैंप से। चलिए तो जल्दी से हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार का हमें यहाँ पे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इस प्रकार का जो है प्रोडक्ट मेरे हाथ में है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटेक। एंड अगर मैं इसकी क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो ये पूरा जो है एल्यूमिनियम का बना हुआ है एंड आपको यहाँ पे बेसिकली दो सेक्शन दिया है, जिसके अंदर सबसे पहला यहाँ पे सेक्शन दिया है जिसके अंदर आपको यहाँ पे दिया है हॉट शू, जिसके ऊपर आप फ्लैशलाइट को माउंट कर सकते हैं, या फिर फ्लैशलाइट का जो रिसीवर होता है जिसको भी हम यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। दूसरे हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा होल दिया है, जिसके अंदर आप अपना जो अम्ब्रेला डिफ्यूज़र है उसको हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं एंड यहाँ से हम स्क्रू के थ्रू जो है इसको टाइटन भी कर सकते हैं। इस हिस्से को हम यहाँ से लूज़ करके जो है इसका पोजीशन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो पोजीशन है, या तो हम इस तरफ रख सकते हैं या फिर हम कुछ इस प्रकार से हम इसका जो है पोजीशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी पोजीशन में आपको सेट करना है उस पोजीशन में रख के आप इसको जो है यहाँ से टाइटन कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार का अम्ब्रेला क्लैंप का यहाँ पे क्वालिटी दिया है। चलिए अभी मैं इसको जो है हमारे लाइट स्टैंड के ऊपर माउंट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के साथ मुझे एक ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो ये है कि इसका जो नीचे का जो हिस्सा है वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में दिया है एंड इसकी वजह से हम जब इसको हमारे लाइट स्टैंड के ऊपर माउंट करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ठीक ठाक जो है फिट नहीं हो रहा है। अदरवाइज इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है एंड मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये लाइट वेट है एंड साथ में इसका जो साइज़ है वो भी यहाँ पे बहुत ही कॉम्पैक्ट है एंड कॉम्पैक्ट साइज़ होने के कारण यहाँ पे हम इसको आसानी से हमारे जो लैपटॉप बैग या फिर हमारा जो कैमरा का बैग है उसके अंदर हम इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। चलिए तो अभी हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इस प्रोडक्ट को मैंने परचेस किया था अमेजन स्टोर से एंड इसका कीमत है 430 इंडियन रुपीज़। एंड अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हो तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर, जहाँ पे इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके इस डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है देन वीडियो के ऊपर जरूर से लाइक कीजिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट या फिर सुझाव है देन नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। सो एज ऑलवेज आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल यू डू व्हाटएवर यू वांटेड टू डू एंड बाय फॉर नाउ।